हाय गाइस, सो जैसा कि आपको पता है हमारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 की 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 8 का क्विज अटेम्प्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको दिसंबर 2019 का कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेली क्विजेस टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्विजेस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। सो अर्लियर वीडियोस में हमने आपको बाकी स्टेप्स बताए थे कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है और वहाँ पे आपको क्विजेस सेक्शन में कैसे जाना है। सो चलिए आज हम डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके हम क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं। सो आपको वेबसाइट पर जाने के बाद डायरेक्टली क्विजेस सेक्शन में जाना है। क्विजेस सेक्शन में आपको यूजीसी नेट पे जाना है। यहाँ पे आप डे 8 का क्विज देख सकते हैं। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्विज को और फिर यहाँ से आपको बिगिन करना है इसे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अ मेजर इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज नोन एज। सो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके किसी एक गुड के प्राइजेस में चेंज आने से किसी दूसरे गुड्स के क्वांटिटी में एक चेंज आ रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे। सो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब यह होता है कि अगर आपके किसी भी एक गुड्स के अंदर प्राइजेस के अंदर चेंज आ रहा है तो दूसरे गुड्स के क्वांटिटी के अंदर चेंज आ जाता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि टी के प्राइजेस में चेंज आ रहा है तो इससे जो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस ऑफ टी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी। सो यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस टी का बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पे आपके जो इस चीज़ को मेजर किया जाता है इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे बोला गया आपसे सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना कि कोई सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री भी एक इफेक्ट होता है ना कि इलास्टिसिटी होती है। और प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस में चेंज आने से वो सेम गुड्स की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, इसको प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो यहाँ पे जो कह रहा है कि एक गुड के प्राइस में चेंज आने से दूसरे गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, वो किससे मेजर किया जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी से। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया आपसे द पार्टनरशिप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज कॉल्ड। सो यहाँ पे बोला गया आपसे कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में जो पार्टनरशिप होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं द फिस्कल पॉलिसी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स। सो फिस्कल पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो क्या एक्सप्लेन करती है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन, मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज यहाँ पे देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है इसके अंदर टैक्सेशन पॉलिसी भी बनाई जाती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का, और इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है फिस्कल एक्सपेंडिचर के अंदर। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज कॉल्ड। सो यहाँ पे कह रहा है कि डिमांड कर्व अगर आपका अपवर्ड स्लोपिंग है दैट इज कुछ ऐसा, सो ये क्या एक्सप्लेन करता है। सो देखिए, जो डिमांड कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, ये बेसिकली बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, जैसे कि गिफन गुड्स हो गए, इन्फीरियर गुड्स हो गए, वेबलन और लग्जूरियस गुड्स हो गए। सो इन सब केसेस में जो डिमांड कर्व होता है वो एक्सेप्शनल होता है, दैट इज जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। बिकॉज जो गिफन गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इस पे लोग शिफ्ट कर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा, अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं सो लोग नॉर्मल गुड्स के कंजम्पशन कम करके गिफन गुड्स या इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। सो यहाँ पे जब प्राइजेस नॉर्मल गुड्स के बढ़ते हैं तो गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है। सो यहाँ पे ये जो होता है ये एक्सेप्शनल होता है टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, फीचर्स ऑफ स्टेज ऑफ एक्सपेंशन इन बिजनेस साइकिल्स आर। सो यहाँ पे बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन जो है इसका क्या क्या फीचर है आपसे ये पूछा गया है। सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, राइज इन नेशनल आउटपुट यस, राइज इन कंज्यूमर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यस, बैंक एडवांस ग्रो स्लोली। सो यहाँ पे जो बैंक के एडवांसेस हैं दैट इज जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है ये इंक्रीज होते हैं काफ़ी स्लोली। सो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज बैंक एडवांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं रैपिडली, बिकॉज यहाँ पे जो इकोनॉमी है एक्सपेंड कर रही है, जब इकोनॉमी एक्सपेंड करती है तो लोग लोनेबल फंड्स की डिमांड करते हैं। सो यहाँ पे जो बैंक लोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राइज इन नेशनल आउटपुट यस, राइज इन कंज्यूमर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर यस, बैंक एडवांसेस ग्रो रैपिडली। सो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो अभी तक तो हमें सही लग रहा है, तो इसको एक बार करेक्ट करते हैं। सी देखते हैं एक बार, राइज इन नेशनल आउटपुट, राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, बैंक एडवांस ग्रो रैपिडली। सो देखिए यहाँ पे बी और सी ऑप्शन में जो डिफरेंस है, बेसिकली बी ऑप्शन में आपसे बोला गया है राइज इन कंज्यूमर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन सी ऑप्शन में बोला गया है राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ओनली। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं हमारे और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो डोमिनेट कर रहा है सी को। सो अगर हम बेस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन देखें तो आपका अभी तक बी है। चलिए डी भी देख लेते हैं एक बार, राइज इन नेशनल आउटपुट, राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैंक एडवांस ग्रो रैपिडली। सो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा इसकी बात नहीं की गई है। सो इसको भी डोमिनेट कर रहा है ऑप्शन बी। सो यहाँ पे आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। सो यहाँ इसके बाद आप अपना नेम और ईमेल एड्रेस डालकर यहाँ पे अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।